दोस्तों, आपने झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम पॉलीग्राफी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह किस तरह से काम करती है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यह जान लो कि इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जॉन लारसन ने इसका आविष्कार किया था, और सन 1924 में पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग करते आ रही है। इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाता है और कई नलियां और तार इसके शरीर के निश्चित भागों पर लगाया जाता है, जो शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है। और लास्ट में उस व्यक्ति से कई सवाल पूछे जाते हैं, और ये मानना है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। पॉलीग्राफी के जरिए व्यक्ति की सांस, नाड़ी और पसीने में आए परिवर्तन को नोट किया जाता है, और बाद में पॉलीग्राफी के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे पकड़ा जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही। और ऐसे ही साइंस की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं।